मेरे सामने खड़ी है यामा एरोक्स 155। सो गाइस इसमें हम करेंगे टेल टाइडी का जो मॉडिफिकेशन करेंगे काफी डिसेंट सी करने वाले हैं। पर इस वाले पार्ट पर तो आपसे तो पूरा खोल रखा है, इसको खोलने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिखता है। स्टॉक टेल टाइडी आती है उसको रिमूव कर रहे हैं। ये लो जी ये निकल गई है, ये है CNC मशीन देख सकते हो आप, ये है इसके ओरिजिनल और ये है आफ्टर मार्केट पड़ता है प्लास्टिक में और ये फुल्ली मेटल में। इसमें लीवर गार्ड लगा रखे हैं ये आप दोस्तों जो कि कार्बन फिनिश के साथ अगर जो यूज करने वाले हैं ये है गाइस कार्बन फिनिश के साथ विद रिफ्लेक्टर्स, ये आप देख सकते हो काफी डिसेंट से लगेगा यार। सो गाइस ये है टेल टाइडी जो कि ब्लैक की जाएंगे, ये है एडजस्टेबल, इसको आप किसी भी एंगल में एडजस्ट कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से फिट जाएगी ना वहाँ फिट किया जाएगा। ये तो हार्नेस वायरिंग का फायदा, अगर आप हार्नेस वायरिंग नहीं लगवाते हो तो ये सब चीजें आपको नहीं मिलती है। सो हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस, मैं हूं होस्ट आपका दोस्त लियाओ, क्लिक ऑन अ टॉपिक एक ऑन अ वीडियो एंड नाउ वाचिंग योर माय YouTube चैनल। सो गाइस जैसा कि आपने बोर्ड देखा, आज मैं आया हूं दिल्ली के करोल बाग नए वाला मार्केट में आकांक्षा एक्सेसरीज पर। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ काफी डिसेंट सी मॉडिफिकेशन जो कि है आपकी यामा एरोक्स 155 पर करने वाले मॉडिफिकेशन। चलते हैं दुकान के अंदर, थोड़ी सी करते हैं बात, दिखाते हैं और दुकान के अंदर क्या क्या सामान आपको यहाँ पर मिल जाएगा बाइक से रिलेटेड, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा आपकी यामा एरोक्स 155। चलिए अंदर चलते हैं। सो गाइस अगर आप शॉप के अंदर आओगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बाइक से रिलेटेड ना मिले। और गाइस सबसे बेस्ट बात यहाँ पर ये यह है कि अगर आपके पास कोई बाइक है पुरानी है उसको आपकी सर्विस वगैरह करानी है, मॉडिफिकेशन भी करानी है, तो वो भी आप करा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर सामान रखा हुआ है, हॉर्न्स वगैरह हो गए, स्लाइडर हो गए, फोक स्लाइडर हो गए, आपके हॉर्न्स वगैरह हो गए। इस तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें फॉग लाइट हो गई आपकी और आपका चेन स्प्रे वगैरह हो गया, यहाँ पर देख सकते हो राइडिंग गियर्स हो गए, जैसे आप देख सकते हो सारा जो है इसमें ब्रेक ऑयल हो गए आपके। और अगर मैं इस तरफ आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंजन ऑयल वगैरह हो गया। कहने मतलब ये है कि मॉडिफिकेशन के अलावा अगर आपको सर्विस भी करानी है आपके पास, चाहे कोई नॉर्मल बाइक हो या आपके पास कोई सुपर बाइक हो, तो यहाँ पर इजीली हो जाता है गाइस। कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ मैं आपकी एरोक्स 155। चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को, सब्सक्राइब मार देना, मारते नहीं हो देखते हो सर वीडियो को। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, आज मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली के करोल बाग नए वाला मार्केट में आकांक्षा एक्सेसरीज पर। यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये दोस्तों आप मेरे सामने खड़ी है यामा एरोक्स 155। सो गाइस इसमें करेंगे सेफ्टी वाली एक्सेसरीज प्लस में करेंगे टेल टाइडी, और गाइस जितनी भी इसमें एक्सेसरीज ऐड करेंगे जो मॉडिफिकेशन करेंगे काफी डिसेंट सी करने वाले हैं। लाइक अगर बात करूँ मैं यहाँ पर इस वाले पार्ट पर तो आपसे तो पूरा खोल रखा है, इसको खोलने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिखता है। और गाइस एक जरूरी सूचना बता दूं मैं आपको कि जब भी आप एरोक्स के काम करवाते हो तो किसी प्रोफेशनल से करवाना, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा नक्के होते हैं ये आप देख सकते हो, जिसमें क्या होता है कि जबकि गाड़ी है तो इसमें जो है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो तो किसी प्रोफेशनल से करवाओ, क्योंकि खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके अलग अलग पार्ट्स आते हैं, लाइक आप सबसे पहले इसको निकालनी पड़ती है इसका ये वाला पार्ट्स ये देख सकते हो, उसके बाद जो गाइस इसके पार्ट्स है उसके बाद गाइस आप देख सकते हो ये खोल कर रखा हुआ है। तो कहने मतलब ये इसमें नक्के वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे क्या है कि आपकी गाड़ी की किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, कोई वायर कटिंग ना हो, तो इसलिए किसी प्रोफेशनल से करवा सकते हो। बाकी काफ़ी सारी वीडियोज़ की बना चुका हूँ। इसके अलावा इसमें लगा रहे हैं टेल टाइडी, जो इसकी स्टॉक टेल टाइडी आती है उसको रिमूव कर रहे हैं, उसको रिमूव करने के लिए सारा सेटअप जो है हटाना पड़ता है, लाइक बैटरी भी सरकार नंबर प्लेट भी संभाल लो। ये लो जी ये निकल गई टेल टाइडी पूरी ओ भाई, और अब देखो यहाँ से लुक वो कितना बल्कि टायर लग रहा है, और एक्चुअल में जो लुक है वो अब आ रही है देखो। ये लो जी सो गाइस टेल टाइडी अभी आती है, जब तक मैं आपको दिखाता हूँ मिरर। देखो ये मिरर जो है ये है CNC में, और इस मिरर की बेस्ट पार्ट ये है कि जो आपके स्टॉक मिरर आते हैं काफ़ी हद तक ये उससे मैच होते हैं। सो गाइस ये देख सकते हो आप, ये है इसके ओरिजिनल और ये है आफ्टर मार्केट, बट ये रहता है प्लास्टिक में और ये फुल्ली मेटल में है। और गाइस इसमें आपको नाइट विजन मिल जाता है, जिसका फायदा ये रहता है कि बेसिकली पीछे डायरेक्ट किसी लाइट पड़ती है तो आपकी आंखों में नहीं पड़ेगी। प्लस गाइस अगर आप जैसे धूप वगैरह में खड़ी करते हो तो जो रोशनी लग के डायरेक्ट आंखों पर टच हो रही होती है ना, तो उससे भी काफ़ी निजात मिल जाती है। तो इसका रिप्लेस रहेगा ये भी रहेगा, और एक यारा से इसका सेट, इसमें गाइस आपको नट बोल्ट मिल जाती है पूरी किट आप देख सकते हो, जो कि फुल्ली मैट ब्लैक में है। गाइस कलर इसमें काफ़ी सारे मिल जाने वाले हैं, गोल्डन मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा, ब्लैक आपके सामने है, रेड मिल जाएगा, बट डिपेंड करता है आपकी चॉइस कि आपकी जो है एरोक्स किस कलर की है, तो उसी हिसाब से मैच करना सही रहता है। इसके अलावा इसमें लीवर गार्ड लगा रखे हैं ये आप दोस्तों, जो कि कार्बन फिनिश के साथ है, और लीवर गार्ड्स का जो बेसिकली फायदा रहता है वो रहता है गाइस के इन केस कभी अगर स्कूटी गलती से गिरता भी है ना तो अगर क्लच एंड लीवर टूटते नहीं है, प्लस लुक हो जाता है काफ़ी ज़्यादा इनहेंस। सो गाइस ये है टायर अगर जो यूज़ करने वाले हैं, ये है गाइस कार्बन फिनिश के साथ विद रिफ्लेक्टर्स, जो कि आपके कुछ इस तरीके से लगेगा, ये आप देख सकते हो काफ़ी डिसेंट से लगेगा यार। ये देखो इसकी प्रॉपर फिटिंग आती है, एक पार्ट तो इसका ये है, एक पार्ट इसका ये है गाइस, तो ये सिंगल साइड से होल्ड हो जाता है। नेक्स्ट आइटम है गाइस ये है वाइजर, और जो स्ट्रोक वाइजर आता है वो आता है प्लास्टिक में, बट अब सब कुछ जेन्युइन लगा रहे हैं तो फिर ये वाला पार्ट अगर लाइक ये आप देख सकते हो इसी के ऊपर लगा दो, ऐसे देखो और ऐसे देखो इसके ऊपर लगा दे, इसके ऊपर लगा दो, इसके ऊपर लगा दे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे, इसके ऊपर भी एक और बल्किनेस आ रही है इसमें, ये भी ठीक है। तो ऐसा करेंगे कि ब्लैक में लगा देते हैं, ठीक है? तो सर कह रहे हैं कि ब्लैक में लगाओ, क्योंकि ब्लू में जो है मज़े नहीं आ रहा, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। एक साइड से कंप्लीट हो चुका है ये आप देख सकते हो, बस खाली इसमें जो है
टाइट के अंदर रह गया, बाकी लुक लाइक काफ़ी डिसेंट सा है। यहाँ पर लगा रखे हैं फोर्क स्लाइडर, जिसका बेसिकली जो वर्क होता है इनकेस कभी अगर गिरती भी है गाड़ी तो ये शॉकर प्रोटेक्टर के रूप में काम आता है और लुक भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है गाइस। क्वालिटीज में बहुत सारी आती हैं, बट ये जो लगा रखा है ये लगा रखा है लुक के हिसाब से। टेल टैडी, सो गाइस ये है टेल टैडी जो कि कॉन्सेप्ट लिया गया है ब्लैक का। ऑल ओवर जितनी भी इसमें मॉडिफिकेशन की जाएंगी ब्लैक की जाएंगी। ये है एडजस्टेबल, इसको आप किसी भी एंगल में एडजस्ट कर सकते हो। इसको रख के दिखाना जरा भाई साहब, ये देख सकते हो गाइस, ये कुछ इस तरीके से लगेगी। यही तो फायदा होता है एडजस्टेबल वाले का, किसी भी एंगल में एडजस्ट कर सकते हो, कुछ इस तरीके से लगेगा गाइस। लगवाने को आप ऐसे भी लगवा सकते हो, ऐसे लगवा सकते हो, बट जो जहाँ प्रॉपर तरीके से फिट जाएगी ना वहाँ फिट किया जाएगा ये। तो ये भी है, लगाओ जी। इसके अलावा गाइस छोटे मोटे स्क्रैचेस ना पड़े तो उसके लिए यहाँ पर कर रहे हैं 3 लेयर लेमिनेशन, जो कि आप देख सकते हो, जो कि बहुत ज़रूरी रहती है, जिससे आपकी बाइक का पेंट भी जो है, या अगर आप अपनी स्कूटी में करवाते हो या किसी व्हीकल में करवाते हो तो उसके जो पेंट है वो प्रोटेक्ट रहता है, ये देख सकते हो आप। सो गाइस मैंने अभी जितनी आपको एक्सेसरीज दिखाई हैं, अब इन सारी वस्तुओं को पहले कर लेते हैं फिट, फिर आपको दिखाते हैं फाइनल पर। ये एक आपके लिए आइडिया रहेगा बिफोर एंड आफ्टर कैसा लुक आता है, तो आपके सामने आएगा। पहले कंप्लीट कर लेता हूं फिर आपको दिखाता हूं फाइनल। सो गाइस आपकी यामा एरोक्स थी वो हो चुकी है कंप्लीट, छोटा मोटा टचअप का काम है। जब तक मैं आपको दिखाता हूँ क्या एक्सेसरीज है, जो मैंने आपको एक्सेसरीज दिखाई थी उसके अलावा भी इसमें कई नई एक्सेसरीज ऐड की गई हैं, जो कि आप देख सकते हो सामने से। जो मैंने वाइजर आपको दिखाया था जिस कलर का, वो कलर हटाकर यहाँ पर व्हाइट कलर का लिया गया। इसके अलावा यहाँ पर फोक्स लाइटर लगा रहे हैं, बाकी ये पहले लगा दिए थे, बट ये जो है ये मीडियम क्वालिटी के हैं। अब जो लगाने वाले हैं गाइस वो है बहुत ही हैवी क्वालिटी के, जिस पर आप खुद भी खड़े हो जाओगे ना, 1.5 क्विंटल वेट भी डाल दोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये अपनी बाइक में लगा सकते हो, अपनी स्कूटी में भी लगा सकते हो, और अपनी एरोस में तो लगी रहेगा गाइस, ये देख सकते हो बहुत डिसेंट क्वालिटी के हैं। बेसिकली इसका जो वर्क होता है वो होता है शॉकर को प्रोटेक्शन देना, यानी कि ये शॉकर कवर कर सकते हो, शॉकर प्रोटेक्टर कर सकते हो, जिससे कभी गिरता है तो ये चीज़ जो आपके डैमेज नहीं होती है, सेफ रहती है गाइस, और लुक काफ़ी ज़्यादा इनहांस होता है। जब तक इसको फिट करते हैं मैं और चीज़ दिखाता हूँ उसमें क्या क्या है। सो गाइस यहाँ पर लगा रखे हैं लीवर गार्ड्स, जो कि आप देख सकते हो। सो गाइस लीवर गार्ड का बेसिकली वर्क रहता है वो रहता है इनकेस कभी अगर आपकी स्कूटी गिरती है तो ये आपकी क्लच एंड लीवर टूटते नहीं है, और काफ़ी डिसेंट सा लुक आ जाता है गाइस, ये देख सकते हो। इस तरह भी लगा रखा है, इसमें आपको कार्बन फिनिशिंग मिल जाती है, ये देख सकते हो आप। जो मैंने आपको मिरर दिखाए थे वो कुछ इस तरीके से लुक दे रहे हैं, ये देखो गाइस। इसके अलावा यहाँ पर जो है HGG की ओरिजिनल 2 फीचर आई लगा दिया गया, फॉग लैम्प विद हार्नेस वायरिंग। हार्नेस वायरिंग का जो बेसिकली वर्क होता है वो होता है आपकी बाइक की जो है किसी तरीके की वायरिंग फूके ना, खराब ना हो, बैटरी पर डैमेज ना पड़े, बाइक की गारंटी खत्म ना हो, या अपनी स्कूटी में लगा तो उसकी गारंटी खत्म ना हो, जिस जगह भी लगा सकते हो यूनिवर्सल होता है गाइस। और यहाँ पर लगा रखा है स्विच जो कि 2-in-1 है, जो कि अगर आप पहले इसको ऑफ कर सकते हो, पहले आप इसको प्रेस करोगे तो आपका येल्लो हो जाएगा, दूसरी बार पे आप प्रेस करते हो तो आपका जो हो जाएगा ये वाइट गाइस। और इसके नीचे एक और स्विच है, ये देख सकते हो गाइस, इसको जब आप करोगे तो इसके फ्लैशर, इसके मोड्स कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं, ये देख सकते हो गाइस, ये देखो गाइस, जितनी बार आप करोगे उतनी बार इसके पैटर्न चेंज होते रहेंगे, ये देखो गाइस। आप चाहो आप वाइट के कर लो या गाइस आप चाहो येल्लो के कर लो, दोनों के सेम वर्क करेंगे गाइस। तो ये होता है हार्नेस वायरिंग का फायदा, अगर आप हार्नेस वायरिंग नहीं लगवाते हो तो ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं, सिर्फ येल्लो और वाइट का ही मोड आपको मिलेगा गाइस। और इसको आप कुछ सेकंड के लिए होल्ड करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा, जस्ट प्लग एंड प्ले विदाउट किसी अल्ट्रेशन के आपकी जो गाड़ी में इस तरीके के काम हो जाते हैं। और इसको मैं करता हूँ एक बार ऑफ, ऑफ करना इसको कालू भाई, गाड़ी ऑफ कर दो, गाड़ी ऑफ कर दो। और गाइस जो यहाँ पर वाइजर लगाया गया है वाइट कलर का, काफ़ी डिसेंट लुक दे रहा है गाइस, ये देख सकते हो यहाँ से आप, अगर मैं यहाँ से आपको होल्ड करके दिखाऊँ तो ये देखो गाइस, ये आ रहा है पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ का, जिसमें आपके जो है लीवर गार्ड्स हैं, मिरर हैं, फॉग लाइट है, ये देख सकते हो। इसके अलावा जो फोर्क स्लाइडर दिखाए थे वो देखो काफ़ी डिसेंट तरीके से यहाँ पर लग दिए गए, ये देखो काफ़ी डिसेंट लग रहा है गाइस लगने के बाद, और काफ़ी हैवी क्वालिटी है। ये लिए हैं रेड कलर के ताकि कंट्रास्ट में आ जाए थोड़ा सा, ये देखो। सो गाइस इसके अलावा यार सीट को भी क्या कस्टमाइज, ये टूरिंग मोड्स वाली सीट है, ये आप देख सकते हो काफ़ी डिसेंट है। और ये देख सकते हो आप यहाँ पर लगा रहे ओरिजिनल मोबाइल होल्डर, जो कि फुल्ली मेटल में है गाइस, ये आप सकते हो प्रॉपर क्लैम्प्स के साथ, ये देख सकते हो। फुल बॉडी का क्या है लेमिनेशन अभी पता नहीं चलेगी, दिन में भी अगर आप देखोगे तो आपको तब पता चलेगी जब यहाँ पर आप बॉर्डरिंग देखोगे गाइस, इससे छोटे मोटे स्क्रैचेस का पता नहीं चलता, काफ़ी डिसेंट से मॉडिफिकेशन की गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे, सो गाइस मैं घुमाता हूँ थोड़ी रोशनी में लाता हूँ इसको, और इसमें जो टेल टाइटी और टायर अगर लगाया वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, क्योंकि मेन चीज़ तो वही थी इसमें, लेकिन उसके बाद में काफ़ी चीज़ें नई ऐड करा दी गई। घुमा के ऐसे पीछे लिया उसको, और भाई फुल्ली प्रेजेंटेशन वाली आपकी गाड़ी लग रही है, क्या बताऊँ आपको, पहले ही इतनी डिसेंट है। आप देखो पीछे से ले आओ, पीछे ले आओ, ये देखो गाइस टायर का लुक देखो, यहाँ से भी दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है। जो टायर अगर लगाया था वो था कार्बन फिनिश के साथ विद स्क्रैच लेस विद रिफ्लेक्टर्स में मिल जाते हैं आपको, ये देखो गाइस, जब पीछे से लाइट पड़ेगी तो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, ये देखो। और ये जो इंडिकेटर हैं ये कंपनी से लगवा रखे हैं LED वाले, ये देख सकते हो गाइस। बाकी सब कुछ मैंने आपको दिखाई दिया, कुछ रहेगा तो कमेंट करके पूछ सकते हो गाइस।
सो गाइस मॉडिफिकेशन तो मैंने आपको दिखा दिया, मॉडिफिकेशन होते तो हो चुकी थी काफ़ी रात, तो इसीलिए मैं शूट कर रहा हूँ इसका अगले दिन। बात करता हूँ प्राइसिंग वगैरह की, तो गाइस प्राइसिंग के लिए सीधा आप डिस्क्रिप्शन में से नंबर निकाल सकते हो, व्हाट्सअप करो, कॉल करो। दिल्ली के रहने वाले तो करोल बाग नए वाला मार्केट में आप आ सकते हो अकांश एक्सेसरीज पर। तो मेरे तो आपसे विदा, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी और वीडियो में किसी और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।